विश्वेका और आप देख रहे हैं सुप्रीम पावर न्यूज़ चैनल। करते हैं आज की शुरुआत कुछ ताजा तरीन खबरों से। खबर महाराष्ट्र के नागपुर से। भंडारा के आमदार श्री नरेंद्र भोंडेकर ने हिंदू दलित समाज के लिए सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा। रवि भवन में हिंदू दलित समाज उत्थान के लिए, जिसमें अनुसूचित जाति के वो लोग जो चर्मकार, मातंग, वाल्मीकि, सुदर्शन, खटिक व मादगी, इन्हें समाज के विकास के लिए समतुल्य रखने, अनुसूचित जाति की श्रेणी के अ, ब, क, ड, इस प्रकार के वर्गीकरण को विधानसभा में मंजूरी के लिए सरकार की ओर भेजने का निर्णय लिया गया। अनेकों वर्षों इन सभी वर्गों को शासन से मिलने वाली सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा। साहित्य, सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक विकास की निधि चर्मकार, मातंग, वाल्मीकि, सुदर्शन, खाटिक व मादगी व समाज को इस निधि का लाभ न मिलना चिंता का विषय। महाराष्ट्र शासन के अधीन शासकीय विद्यालय, विद्यापीठ में दलित अधिकारी नहीं होने से इन सभी वर्गों के सुशिक्षित बेरोजगार व्यवसायिक अपने अधिकार से वंचित हो रहे। महाराष्ट्र सरकार प्रतिवर्ष 7000 करोड़ सामाजिक न्याय विभाग के द्वारा चर्मकार, मातंग, वाल्मीकि, सुदर्शन, खटिक व मादगी समाज के लिए खर्च करे एवं विभिन्न मांगों को लेकर महाराष्ट्र शासन के मुख्यमंत्री को ज्ञापन तैयार कर भेजा गया। जल्द से जल्द महाराष्ट्र सरकार समाज उत्थान के लिए आगे नहीं आती तो पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन किया जाएगा। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए महाराष्ट्र नागपुर से दुर्गा प्रसाद बर्वे की रिपोर्ट। मग रिपोर्ट जाता है, मग सुदर्शन असेल, खाटिक असेल, मातंग असेल किंवा चर्मकार असेल, ह्या समाजावरती शिक्षणाचं असेल, व्यावसायिकचं असेल, असं राजकीय सुद्धा असेल तर खूप अन्याय होत आहे। आणि त्याच्यासाठी सगळ्याच समाजाच्या लोकांचा एक एक सूर निघाला की कुठेतरी शासनाने आमची दखल घ्यायला पाहिजे। शासन आमच्यावरती दखल घेत नाही, आमच्या मागणीला केराची टोपलीमध्ये टाकतात, कारण हे विकरले समाज आहेत, हे छोटे समाज आहेत, हे कुठेतरी त्यांचा गैरसमज आहे। आणि शासनाचं मी आपल्या सर्वांच्या माध्यमांना सांगू इच्छितो की या समाजाचे जे काही मागणे आहेत, जे काही अडीअडचणी आहेत, ते समजून घेण्याची गरज आहे। आताच आमचे सुदर्शन वाल्मिकी समाजाने ऑक्टोबर महिन्यामध्ये एक मोठी बाईक रॅलीचं आयोजन केलेलं आहे। त्यांचे काही समाजाचे बेरोजगारचा जो विषय आहे, सफाई कामगारांचा, तर त्यांनी खूप सगळं महानगरपालिका आणि नगरपालिका बंदचा सुद्धा त्यांनी हाक दिला आहे। आम्ही त्याला समर्थन करतो।